हेलो एंड वेलकम टू द टेक्निकल सिख। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें आप अपने CSS को कोड करने के लिए। बेसिकली बहुत सारे IDEs अवेलेबल है नेट के ऊपर, लेकिन उनमें से जो चार मुझे खुद को पर्सनली जो बेस्ट लगे आज तक, वो मेरे डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं। आइकन चारों अवेलेबल है, ब्रैकेट्स, एटम, विजुअल स्टूडियो कोड और सब्लाइम टेक्स्ट 3। हम इन चारों को वन बाय वन टेस्ट करेंगे, हम कोई बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे इसके। तो ये चारों को मैं आपको थोड़ा सा यूज करके चेक करके दिखाऊंगा इनके फीचर्स। तो जो सस्पेंस है वो मैं पहले से क्लियर आउट कर देता हूँ, इस पूरे CSS के कोर्स के अंदर हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे और ऐसा क्यों है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। ब्रैकेट्स को डाउनलोड करने के लिए जो वेबसाइट है वो है brackets.io। डाउनलोड बटन को क्लिक करिए और बेसिक इंस्टॉलेशन है। उसके बाद जब आपका ब्रैकेट्स इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे आप उसे चलाएंगे तो आपके सामने सिर्फ एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर दिखेगा आपको, कोई कर्सर नहीं ब्लिंक कर रहा कहाँ पे टाइप करें। तो मैं बताया था आपको क्विकली कैसे करते हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो है हमारा प्रोजेक्ट पैनल है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी और उसका हमें नाम रखना पड़ेगा। मैं इसका नाम रख रहा हूँ index.html। एक्सटेंशन देना जरूरी है, नहीं तो आपकी जो फाइल है वो वर्क नहीं करेगी। और इसके अंदर हम बेसिक जो कोड स्ट्रक्चर HTML का वो टाइप कर लेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने ये IDE क्यों सिलेक्ट करा है इस पूरे कोर्स के लिए। उसके दो रीजंस हैं। पहला, ये बहुत ही लाइट वेट है, अगर आपके पास कोई पुराना PC है तो भी उसके ऊपर बहुत ही आराम से काम करेगा बिना हैंग हुए या ज्यादा रैम खाए। और दूसरा रीजन ये है कि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है लाइव प्रीव्यू। बाकी IDEs में भी वो है, लेकिन उसके अंदर अलग से एक्सटेंशन इंस्टॉल करके डालना पड़ता है, इसके अंदर से पहले से आता है। अगर आपने कभी IDEs पहले यूज नहीं करे तो आपके लिए बहुत ही बिगिनर्स के लिए बहुत इजी रहता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सटेंशन आपको पहले से डालनी नहीं पड़ती। तो इसे यूज कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं, इसके ऊपर टच करते ही लिखा रहा है लाइव प्रीव्यू। ये है आपका फंक्शन। इसका जो यूज है वो ये है कि जैसे ही आप कोड टाइप करोगे वैसे ही आपको साथ ही साथ में अपडेट होता हुआ दिख जाएगा। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं। जस्ट इसे क्लिक करिए और आपका जो वेब ब्राउजर है क्रोम वो आपका ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये सिर्फ क्रोम के साथ वर्क करता है, अभी आने वाले टाइम में शायद ये फायरफॉक्स के साथ भी वर्क करेगा। आई थिंक क्रोम इज फाइन, बेटर दिखे इसलिए आप ब्रैकेट्स को छोटा कर लीजिए, ऐसे पकड़ के राइट लेफ्ट पे टच करिए और ये छोटा हो जाएगा। और राइट साइड पे अपना क्रोम खोल लीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि क्रोम जो है वो पूरा का पूरा ब्लैंक है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक कुछ टाइप ही नहीं करा। तो चलिए मैं आपको एक हेडिंग लगा के दिखाता हूँ। तो चलिए हम इसके अंदर हेडिंग के अंदर टाइप करते हैं This is brackets IDE, और आप देख सकते हैं राइट साइड पे अपडेट होता हुआ दिख भी रहा है। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है इस ब्रैकेट्स का, बिना कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करे पहले से ही ये फीचर इसके साथ में आता है बंडल्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, जो कि है हमारा एटम IDE। एटम को डाउनलोड करने की जो वेबसाइट है वो है atom.io। अब वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, वही वाली पुरानी, डबल क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके और फिनिश। तो चलिए जैसे ही आप एटम को ओपन करते हैं और आप देखते हैं सेम वैसा ही ब्रैकेट्स की तरह इसका वर्कस्पेस है। लेफ्ट साइड पे आपका प्रोजेक्ट पैनल है और यहाँ पे आप कोड करेंगे। तो चलिए एक न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल नहीं बनाते, जो हमारे पास थी ऑलरेडी index.html जो हमने अभी बनाई थी वो यूज़ कर लेते हैं। और इसके अंदर आपको पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसके बाद आप लाइव प्रीव्यू अपना देख सकते हो। लाइव प्रीव्यू की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको पैकेजेस में जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको कमांड पैलेट में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको टाइप करना पड़ेगा इंस्टॉल, इंस्टॉल के बाद आपको उसके बाद आपको सेटिंग्स व्यू इंस्टॉल पैकेजेस एंड थीम्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ आप सर्च करिए HTML प्रीव्यू और एंटर प्रेस करिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जो सबसे पहले वाला होगा एटम HTML प्रीव्यू, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा क्या है ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मैंने, इसलिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद क्विकली सेटिंग्स क्लोज कर लीजिए और आपकी जो फाइल थी उसको आप दोबारा क्लिक करिए index.html। और इसको रन करने के लिए लाइव प्रीव्यू को, इसके लिए शॉर्टकट है जो कि है Ctrl+Shift+H। आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि इसका लाइव प्रीव्यू जो है वो आ चुका है राइट साइड पे। तो चलिए ब्रैकेट्स को एडिट करके हम इसके अंदर लिखते हैं एटम। तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं अपडेट होते हुए हमारे एलिमेंट को। तो ये था एटम का तरीका लाइव प्रीव्यू का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड के डाउनलोड करने के लिए जो वेबसाइट है वो है आपकी code.visualstudio.com। सिंपल इंस्टॉलेशन, जैसे ही आपका आइकन आ जाएगा डेस्कटॉप पे विजुअल स्टूडियो कोड का, आप उसे ओपन करें और विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर भी आपको पहले एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी लाइव प्रीव्यू देखने के लिए। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आपको इसके एक्सटेंशन मैनेजर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा HTML लाइव। आपके पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से ये जो दूसरे नंबर पे है लाइव HTML प्रीव्यूअर, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, उसे आप क्लोज कर दीजिए, एक्सटेंशन मैनेजर को भी क्लोज कर दीजिए। तो चलिए क्विकली न्यू फाइल बनाते हैं हम, फाइल न्यू। तो जैसे ही आपका कर्सर ब्लिंक करना चालू कर देगा उसके बाद आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन
अभी हम जो है यहाँ आप नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में देख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में है। इसको आपको सिलेक्ट करके अपनी लैंग्वेज जिसमें आप टाइप कर रहे हो वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम HTML सिलेक्ट करते हैं और HTML लिखने के बाद हम नीचे एंटर प्रेस कर देते हैं। HTML 5 क्या जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके सामने टाइप हुआ ऑलरेडी आ जाएगा। ये IDEs के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, सब में अवेलेबल है, ये कोई ये नए फीचर्स नहीं है। तो आप इन्हें यूज़ करिए, अपना टाइम बचाइए, ज़्यादा टाइप ना करना पड़े इसके लिए, बहुत कारगर हैं ये सब फीचर्स। तो चलिए बॉडी टैग के अंदर हम एक फिर से हेडिंग टैग लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज VScode IDE। तो इसका जो लाइव प्रीव्यू है एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद उसे रन करने के लिए आपको दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। F1 प्रेस करिए पहले, उसके बाद आपको टाइप करना पड़ेगा सेकंड स्टेप है साइड प्रीव्यू, जो सबसे पहला ऑप्शन है शो साइड प्रीव्यू, उस पर आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपका जो एलिमेंट है वो राइट साइड पे शो हो रहा है। तो चलिए क्विकली इसके अंदर टाइप करके देखते हैं कि ये अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा लाइव प्रीव्यू की तरह। लिखते हैं हम अ वेरी प्रिटी IDE। आप राइट साइड पे देख सकते हैं हमारा जो एलिमेंट है वो अपडेट हो गया है क्विकली बहुत ही। तो ये था हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही ज़बरदस्त है, तकरीबन बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लोग इसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप थोड़े से फेमिलियर हो कोडिंग के साथ और IDEs के साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ये IDEs यूज़ करने में, क्योंकि ये जो है ये एडवांस IDEs हैं। ब्रैकेट्स वो बहुत ही प्लेन सिंपल और बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। तो यही रीज़न है जो मैंने ब्रैकेट्स चूज़ करा है इस पूरे कोर्स को बनाने के लिए। सबलाइम टेक्स्ट जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसके मेरे पास बहुत अच्छे रीजंस है। वो ये कि आपका इन तीनों के अंदर जो आप चाहते हैं वो सारा काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। सबलाइम टेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस है, मतलब उनके लिए जिनको पहले से कोडिंग आती हो थोड़ी सी इनके अंदर टिंकरिंग करनी पड़ती है। लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन पहले से अवेलेबल नहीं है, वो जुगाड़ करके चलाना पड़ता है थोड़ी सी टिंकरिंग करके। सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड करने की जो वेबसाइट है वो है sublimetext.com। आप डाउनलोड करें, चेक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको सबलाइम टेक्स्ट कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि CSS की फाइल को कैसे लिंक करना है HTML के साथ और उनके क्या क्या तरीके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें और कमेंट तो जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी या।